हेलो, सुनना है अगेन। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया टॉपिक के साथ अबाउट इंटरव्यू। तो आज का जो टॉपिक है वो है थ्री पावरफुल इंटरव्यू टिप्स, जो अगर आप करके जाते हो या ये टिप्स अगर आप मान के जाते हो तो इंटरव्यू में एक आप स्टैंड आउट कैंडिडेट हो सकते हो अपने जॉब इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा क्या पावरफुल टिप्स हो सकता है उसको लेके हम लोग बात करते हैं। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। तो इंटरव्यू टिप नंबर वन जो है वो है कि आप पहले जो करो एक 30, 60 और 90 डेज का एक प्लान ऑफ एक्शन बना लो, ठीक है। मतलब अगर वो लोग आपको हायर करते हैं, अगर हायरिंग मैनेजर आपको एक्सेप्ट करते हैं एज ए एम्प्लॉई, ठीक है, फिर आप कंपनी के फर्स्ट डे से 30 डेज तक या 60 डेज तक या 90 डेज तक आप क्या क्या काम कर सकते हो, कौन सा स्किल आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ मैच कर रहा है, अलाइन कर रहा है, एंड उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो कंपनी के लिए, उसका एक आप प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हो, ठीक है। एंड वो जब आपका इंटरव्यू खत्म होगा, ठीक है, लास्टली वो पेज जो है वो एक डॉक्यूमेंट जो है प्लान ऑफ एक्शन का वो प्रेजेंट कर सकते हो कि हाँ, मैं अगर कंपनी में हायर होता हूँ तो मैं ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन होगा काम करने का, मुझे लगता है इससे और भी ज्यादा कंपनी का ग्रोथ हो सकता है, या मेरी तरफ से मैं प्लान ऑफ एक्शन जो बनाया हुआ वो आप देख लीजिए ऐसे, ठीक है। तो आप इंटरव्यूअर को वो एक प्लान ऑफ एक्शन प्रेजेंट कर सकते हो, ये एक बहुत ही पॉजिटिव जो एक्शन है वो प्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। एंड टिप नंबर टू जो है वो है कि बहुत ही कॉमन है, मैं मेरे पिछले वीडियोस में भी ये वाले लेके बात की हूँ, ठीक है, वो है कि जो आपको कपड़ा पहनना है वो बहुत ही स्मार्ट एंड प्रोफेशनल ड्रेसिंग करके जाना है, प्रोफेशनल आउटफिट आपको पहन के जाना है। दिस शोज कि यू केयर अबाउट दिस जॉब, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए मायने रखता है, एंड यू हैव अ हाई स्टैंडर्ड, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल आउटफिट एंड जो आपका बॉडी लैंग्वेज है वो सही होना, ठीक है, प्रोफेशनल होना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। टिप नंबर थ्री जो है वो है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका जो सीवी होता है या रिज्यूमे होता है वो एक जेरोक्स रहता है आपके पास, राइट, एक कॉपी रहता है जो आप इंटर करते हो इंटरव्यू रूम में, तब आप इंटरव्यूअर को देते हो, राइट, हायरिंग मैनेजर को वो देते हो। एंड उसके साथ साथ आप और एक काम कर सकते हो कि एंड एक सीवी आप अपने पास रखो, क्योंकि कभी कभी होते हैं कि इंटरव्यूअर बोलते हैं प्लीज वॉक मी थ्रू योर रिज्यूमे, मतलब जो आपके रिज्यूमे में है उसको थोड़ा आप मुझे डिस्क्राइब करो, बोलो कि क्या है नहीं है, ऐसा कभी कभी हायरिंग मैनेजर जो होते हैं वो बोलते हैं। इस टाइम क्या होता है, कैंडिडेट क्या करते हैं, याद करके बोलना चाहते हैं कि हाँ मेरे रिज्यूमे में ये है तो मैं ये डिस्क्राइब कर देता हूँ, मेरे रिज्यूमे में आई थिंक वो भी है तो मैं ये डिस्क्राइब कर देता हूँ, तो आपको सोच सोच के ये चीज बोलना पड़ता है। इसके इंस्टेंट आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास भी आपके सीवी या रिज्यूमे के एक जो है जेरोक्स हुआ या एक कॉपी अगर आपके पास भी हुआ, ठीक है, तो आप वो सीवी या रिज्यूमे देख के आप रीड आउट करके जो है वो इंटरव्यूअर को डिसाइड कर सकते हो, इससे आपका जो काम होता है वो भी इजी हो जाता है एंड ये चीज जो है वो क्लियर रहता है, ओके। क्योंकि जब आपको याद करके वो चीज बोलना पड़ता है तो मेमोराइज करने में वो चीज थोड़ा हिचक जाता है, वो मोमेंट भी थोड़ा खराब हो जाता है, राइट। तो आप वो कर सकते हो, आपके पास भी एक सीवी का कॉपी रख सकते हो, एंड जब इंटरव्यूअर या हायरिंग मैनेजर आपको बोलेंगे कि थोड़ा आप डिस्क्राइब करो अपना सीवी, तो आप वो सीवी देख के जो आपके पास कॉपी है उसे देख के आप डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ थ्री इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू टिप्स थे जो अगर आप मान के चलते हो तो आई थिंक ये नेक्स्ट इंटरव्यू में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग एंड नया टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए